आज ही डाउनलोड करें। पर होगा अब आपके सभी केमिस्ट्री, फिजिक्स और और का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो पाओ। The question here is, bilaterally symmetrical but animal is. ये बोल रहा है ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि ए सीलोमेट भी है और बायोलिट्री सिमेट्रिकल भी है ठीक है तो बायोलिट्री सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है कि द बॉडी दो इक्वल सकते हैं body के ठीक है है तो ये जो है, इसके example क्यों कौन से हैं ऑल द फाइलम्स सारे फाइलम्स बायोलिट्रली होते हैं एक्सेप्ट स्पॉन्जेस स्पॉन्जेस जो है वो ए सिमेट्रिकल है उनकी कोई शेप नहीं है ठीक है दट देर एमेट्रिकल ठीक है एंड जो सीलेंट रेट्स हैं सीलेंट रेट्स और ये जो होते हैं ये आपके रेडियली सीमेट्रिकल होते हैं मतलब इनको आप किसी भी पॉइंट से काटो ये इक्वल हाफ्स में कट जाता है ठीक है बट बायोलिट्रली सिमेट्रिकल में एक ही पॉइंट होता है जहां से आप उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो तो बायोलिट्रली सिमेट्रिकल में फिर हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं आर्थ्रोपोडा प्लेटी हेलमेंट्स एटसेट्रा ठीक है अब हमारे पास दूसरी चीज हमें देखनी थी दैट इज ए सीलमेट ठीक है तो सीलोम क्या होती है सीलोम इज द बॉडी कैविटी बॉडी कैविटी होती है बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल ठीक है किसके बीच में है बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में जो आपकी वो होती है कैविटी उसको हम सीलम बोलते हैं और सिलोम बोल सकते हैं तो ऑर्गेनिज्म हमारे पास होते हैं ए सीलमेट जिनके पास ये बॉडी कैविटी नहीं होती है सियोडो सिलेट एंड सीलमेट जिनके पास ये बॉडी होती है देखो क्या होता है कि वैसे तो जो आपकी बीज की जो लेयर होती है में वो एक कॉन्टीन्यूस लेयर होती है बट जब वो पाउचेस फॉर्म में प्रेजेंट होती है तो वो सीडोसिलेट हो जाते हैं सीओडोसिलेट का एक ही एग्जाम्पल है दैट इज एस खेलमेंट्स सीलमेट में एच खेलम के ऑनवर्ड सारे सिलेमेट होते हैं एंड ए सीलेमेट्स में हमारे स्पॉन्जेस से लेके प्लेटी हेलमेंट्स तक होते हैं ठीक है तो so, हमें देखना था कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि ए भी हो और बायोलेट्रली सिमेट्रिकल भी हो सो so, इसमें लिवर फ्लूक है दैट इज फेसियोला, ये क्या है कि ये प्लेटी हेलमिन है, यानी कि ये ए भी है और बायोलिट्रली सिमेट्रिकल भी है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बट जो जेली फिश है ये मोलुस्का की होती है और मोलुस्का तो सीलेमेट होते हैं तो इसलिए है, यहीं यही पे रॉन्ग हो गया राउंड वर्म एस का होता है और ये सीडो सिलेमेट होते हैं तो ये भी रॉन्ग हो गया क्रैब आर्थ्रोपोर्ट से बिलोंग करते हैं एंड दीज आर सीलेमेट्स हमें ए सीलेमेट देखना था तो ये भी रॉन्ग हो गया तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए दैट इज लिवर फ्ल्यूक देखो आंसर इज ऑप्शन ए लिवर फ्ल्यूक ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर